तो हम हर पक्ष का दर्द आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारा मकसद पीड़ितों का वो दर्द सामने लाना है जिनसे हमारी एक समाज के नागरिक के रूप में साझेदारी है। इंसानी दर्द एक जैसा होता है, ये इधर या उधर का नहीं हो सकता। टकराव और हिंसा के नतीजे किस कदर खौफनाक होते हैं, हमारा मकसद ये सामने लाना है। इस दर्द को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। लखीमपुर में हिंसा का शिकार होने वालों में बहराइच के नानपारा के दलजीत सिंह भी थे। दलजीत सिंह को तेज रफ्तार एसयूवी ने उनके 15 साल के बेटे की आंखों के आगे कुचल दिया। घर में मातम है, परिजन रो रहे हैं, सब पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। ढाढ़स के शब्द कम पड़ रहे हैं, दिल जार जार है। कौन किसको भरोसा दे, और दे भी तो क्या कहे, कहने को कुछ बचा ही नहीं। एक झटके में परिवार का मुखिया खत्म हो गया, अब बच्चों को कौन देखेगा। दलजीत सिंह का परिवार गहरे सदमे में है। तिकुनिया में हुई हिंसा में बहराइच के नानपारा के दलजीत सिंह की भी मौत हुई थी। वे बेटे के साथ प्रदर्शन में मौजूद थे। दलजीत के 15 साल के बेटे राजदीप की आंखों के आगे से वो मंजर अब भी नहीं हटा है, जब उन्होंने पिता को बेकाबू एसयूवी की चपेट में आते देखा था। साथ में गए सर। साथ में आप कल तिकुनिया गए? जी साथ में गए। जी तो वहाँ पर क्या हुआ, कैसे आपके फादर कहाँ फंस गए थे? दोनों लोग हम लोग साथ ही में थे, पीछे से गाड़ी 3 आई तो उन्होंने उड़ा दिया पीछे से। बेहद गरीब किसान परिवार से आने वाले दलजीत बमुश्किल अपने बच्चों का भरण पोषण कर पाते थे। मुद्दा किसानों का था, इसलिए 3 अक्टूबर को वो भी प्रदर्शन के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। हमेशा के लिए परिवार से दूर हो गए। अब परिवार इंसाफ चाहता है। दलजीत सिंह का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस मौके पर पूरा गांव अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, हर चेहरा गम में डूबा था। दलजीत सिंह अब अपनों के बीच नहीं है, शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है। पीछे छूट गया है तो परिवार, जिसे उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। ये मुश्किल भरे दिन और इस तरह दलजीत सिंह का जाना कोई भुला नहीं पाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो वो 8 चेहरे जो अब हमारे बीच में नहीं है और अपने पीछे जो सिर्फ दर्द छोड़ गए हैं, उनकी कहानी हम आपको बता रहे हैं। उनके परिवार का दर्द हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंसा अपने पीछे कुछ ऐसा दर्द छोड़कर गई है जिसे भुला पाना नामुमकिन है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं विवेक। विवेक देखिए, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे पत्रकार रमन का यूं चला जाना हो या फिर किसान दलजीत का निधन हो। हर तरफ सिर्फ मातम ही मातम नजर आ रहा है और उनके परिवार की जो सिसकियां हैं वो चीख चीख कर सिर्फ यही पूछ रही हैं कि कसूर क्या था। बिल्कुल प्राची, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब मैं लवप्रीत की बहनों से बात कर रहा था, एक छोटा सा गरीब किसान का घर है, और बहुत एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने अपने कैमरे में दिखाया भी कि किस तरह का घर है वो। बहुत इंटीरियर में नेपाल बॉर्डर के पास बसा हुआ है, खेती किसानी से ही उनका पेट पलता है। उनकी बहनों का कहना ये था कि मेरा भाई तो चला गया, अब मुआवजा या कंपनसेशन क्या है? 45 लाख रुपए अगर मिलेंगे तो उससे क्या होगा? अगर रुपया दे दिया जाएगा तो क्या मेरा भाई वापस आ जाएगा? उनकी मन से जो दर्द निकला वो ये था कि मेरा भाई वापस आ जाए, उसको किसी तरह से कोई वापस कर सकता है क्या? रुपया दे दोगे आप, नौकरी दे दोगे, लेकिन ये कंपनसेशन जिंदगी से बड़ा नहीं है, जिंदगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। जितने थे, चाहे वो रमन के पिता हों, चाहे जो लवप्रीत है उसके पिता से बात हुई हमारी, चाहे शुभम मिश्रा के परिवार वालों से हमने बात की, या जो और मरे हैं, जो जिनकी मौत हुई है, जो नानपारा बहराइच के युवक हैं, सभी परिवारों का जो दर्द है वो एक जैसा है, चाहे वो किसान हो, पत्रकार हो, चाहे वो बीजेपी कार्यकर्ता हो, जितने भी परिवार हैं उनका दर्द एक जैसा है। विवेक, आप बन रही है हमारे साथ, आगे भी लगातार आपसे बात करते रहेंगे, जानते रहेंगे कि आखिर परिवारों पर क्या बीत रही है।